जहाँ मंदिर है हर कंकर में जहाँ शंकर है, जहाँ मंत्रों की ताकत साफ दिखाई देती हो, जिसके चौखट पर पहुंचकर हर दुख तकलीफ से मुक्ति मिल जाती है, वो है कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ कामाख्या। नमस्कार, अनएक्सप्लोर पैराडाइज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अनएक्सप्लोर पैराडाइज बहुत सालों से आपको नॉर्थ ईस्ट भ्रमण करवा रहा है, लेकिन इस बार हमारी कोशिश है कि वीडियो के जरिए आपको नॉर्थ ईस्ट की पहले से ही झलक दिखाई जाए। आप नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं और आपकी जर्नी की शुरुआत माँ कामाख्या के दर्शन से हो, तो इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, पहले एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं माँ कामाख्या के दर पर। असम के गुवाहाटी से करीब 9 किलोमीटर दूर खूबसूरत नीलांचल की पहाड़ियों पर विराजती हैं सृष्टि की रचयिता माँ कामाख्या। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सतयुग में देवी सती के पिता दक्ष जब भगवान शिव का अपमान कर रहे थे, तो माँ सती अपने पति महादेव के हो रहे अपमान को सहन नहीं कर पाई और यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद भगवान शिव देवी के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड का चक्र काटते हुए तांडव करने लग गए थे, जिससे प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी। उस अनहोनी को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी के मृत शरीर के टुकड़े किए। देवी के 51 टुकड़े धरती पर जहाँ जहाँ गिरे, वो स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देवी सती की योनि जिस स्थान पर गिरी, उसी स्थान पर माँ कामाख्या का ये पावन मंदिर बना। दरअसल इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि माँ की योनि रूप में मौजूद पत्थर के शिला की पूजा होती है और ये पवित्र स्थल हमेशा फूलों से ढका रहता है। हर साल जून महीने में देवी अपने मासिक चक्र यानी पीरियड से गुजरती हैं और इसे अंबुबाची उत्सव के रूप में श्रद्धालु खुशी से मनाते हैं। एक और खास बात ये है कि इस दौरान 3 दिन तक देवी के कपाट को बंद रखा जाता है। कपाट को बंद करने से पहले मंदिर के अंदर सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है और 3 दिन के बाद जब मंदिर के कपाट को खोला जाता है, तो वो सफेद कपड़ा लाल रंग का होता है। इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर बने तालाब का पानी भी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। मान्यता ये भी है कि इस समय देवी पूरी तरह से जागृत होती हैं और जिन महिलाओं को मासिक चक्र या बांझपन की समस्या है, वो अंबुबाची त्योहार में माँ के दरबार में हाजिरी लगाती हैं, तो माँ उनकी समस्या दूर करती हैं।